आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने मॉडल सुमित खसाना हैं सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं आपने गाना सुना होगा कि होले जल्दी तैयार तुझे गांव मारकपुर दिखलाऊं मैं फैन हूँ सुमित खसाना का आपको बता दें सुमित खसाना के जो गाने हैं उन सभी के बारे में सीधे अभी इनसे बातचीत करेंगे लेकिन आपको बता दें सुमित खसाना के काफ़ी ऐसे गाने हैं जिन पर करोड़ों में व्यूज़ हैं तो सीधा बातचीत हम सुमित कसाना से करेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें सुमित कसाना हापुड़ जिले के गाँव मारकपुर के रहने वाले हैं सुमित जी आपका धाना टी में बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद धाना टी वी न्यूज़ सुमित भाई सबसे पहले आप अपने गानों के बारे में बताइए आपका सबसे पहला गाना कौन सा था मेरा सबसे पहला गाना था भोले का खर्चा जो मैंने कांवरिया के बनाया था कांवरिया के लिए भोले का खर्चा बहुत अच्छा चला था वन मिलियन के रॉस है जी सुमित कसाना जी आपके का, का, काफ़ी गाने ऐसे हैं जिन पर करोड़ों में व्यूज़ हैं तो उन गानों के बारे में आप बताएं मेरा जो सबसे अच्छा सॉन्ग था हिट सॉन्ग था कोठी बंगला हवेली जो आठ करोड़ लोगों ने देख चुके हैं और दूसरा जो पबजी सॉन्ग था वो भी आठ करोड़ लोगों ने देख लिया और भी काफ़ी सॉन्ग हैं जी देखिए सुमित कसाना इस हरियाणवी जो सॉन्ग बनते हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय हैं सुमित भाई आपके गुरु कौन हैं मेरे गुरु जी हरिंदर नागर जी हैं तो आप, आपका उनका स्नेह हमेशा मिलता रहता है तो आपकी और आपकी मुलाकात अपने गुरु से कब हुई थी सबसे पहले सबसे पहले मेरे गुरु से मुलाकात मेरी हुई थी कुछ हमारे कुछ सर चोपला यहाँ पर रागनी कंपटीशन होता है तो उसमें मेरे गुरु जी हरंदर नागर जी आए थे वो रागनी वगैरह गाने तो वहाँ मेरी सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई थी सुमित भाई आप आप मॉडल हो खुद तो ये मतलब मॉडल बनने का एक किसान परिवार से आप हो तो मॉडल बनने का शौक आपको कैसे लगा मॉडल क्या जो ये ऐप चलता था टिकटॉक टिकटॉक से जो मैं वीडियो वगैरह बनाता था तो उन वीडियो से ही मेरी वीडियो भी वायरल हुई और मुझे काफ़ी शौक़ भी मिले उन वीडियो से एक्टिंग से जी सुमित भाई आप मैंने आप, आपकी बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी हैं बहुत लोग मैंने मेरे, मेरे पास ऐसी वीडियो आती हैं जब आप गाँव में शूटिंग करते हैं इतने लोग आपकी शूटिंग पर आ जाते हैं तो उस समय आप कैसे उस समय का अनुभव आप थोड़ा शेयर कीजिए कैसे आप सब चीज़ों को हैंडल करते हैं वैसे ही बस प्यार मोहब्बत ज़मीन से जुड़ा हुआ तो बस सभी प्यार मोहब्बत से मान जाते हैं सुमित तो कसा जी आपका एक गाना है खेले पबजी देखिए जो पबजी जब भारत में बैन हुआ उसके बाद इन्होंने जो खेले पबजी जो सॉन्ग बनाया इस पर कितनी व्यूज़ आपके मेरे इस पर अस्सी मिलियन है यानी कि आठ करोड़ व्यूज देखिए आठ करोड़ इस पर व्यूज़ हैं और ये बहुत लोकप्रिय हैं अब फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है तो आप भी जब शादियों में जाते हैं बहुत लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा एक थोड़ा हमारे साथ भी नाचिए जो एक व्यूअर्स होते हैं जो आपको इतना प्यार देते हैं कैसा लगता है आपको बड़ी खुशी मिलती है जब कहीं मैं शादी में जाता हूँ तो गाने मेरे वहाँ पे बजते हैं तो मुझे अंदर से एकदम फील आती है कि डांस मैं भी करूँगा अपने शो तो सुमित जी आपको इस इंडस्ट्री में आई हुई कितना समय हो चुका है मुझे लगभग लगभग चार या पाँच साल हो गए और आगे आपके क्या क्या प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं आगे अभी मैं एक टी शो में भी गया था दारियल खिलाड़ी पीछे भी गया था सीजन में अब के सीजन खेला है उसका और आगे भी मेहनत चल रही है बस तो ये जो द रियल खिलाड़ी शो में आपका सिलेक्शन हुआ तो ये कौन से टीवी पर कौन से चैनल पर आता है ये पंजाबी चैनल है चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल तो उसी चैनल पर आएगा ये तो उस इस शो इस के अंदर क्या होता है वो ऐसी वगैरह खतरों के खिलाड़ी है जैसे वो है खतरों के खिलाड़ी की तरह ही शहम तो आप जो, आप जो आप जो आपने रियल खिलाड़ी में देखा हो तो वो स्टंट आप खुद ना आजमाइए आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है तो वो तो एक सिर्फ एक कैमरे का खेल है तो आप ऐसा ना करें सुमित कसाना जी और आप जो आपके गाने भी एक गाना आया छब्बीस जनवरी आपका वो बहुत वायरल हुआ वो गाने का थोड़ा गाने के बारे में आप बताएँ वो गाना हमने 26 जनवरी पे लिखाड़ा था आर्मी हिंदुस्तान की तो अपने आर्मी के लिए लिखाड़ा था आगे क्या प्लानिंग है और सुमित कसाना भाई आप जब एक गाने को शूट करते हैं तो कितना समय लगता है गाने को पूरा तैयार करने में मेरे लगभग 20 से 25 सॉन्ग आ चुके हैं उसमें 10 सॉन्ग से मिलियन से ऊपर है और एक सॉन्ग की उसमें शूटिंग में लगभग एक या दो दिन लग जाते हैं एक या दो दिन में शूट कर देते हैं क्योंकि अब तो खुद आप ट्रेंड हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर तो ये जो कैमरे का जो एंगल है काफ़ी मेहनत आप लोग करते हो लोग इतना आप, आपको देश भर से प्यार देते हैं क्या कहना चाहोगे आज आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का मेरे सॉन्ग इतने यानी कि मिलियन आए तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सुमित भाई आप आगे जो आपकी प्लानिंग है वो अब लगातार आप लगातार ऐसी छाए रहें सुमित भाई आप इतना संघर्ष आपने जीवन में किया है और आज आपको इतना इतना प्यार लोग देते हैं तो जब आप देश मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी आप लगातार अलग अलग राज्यों में जाते रहते हैं मिलने के लिए उनसे तो क्या कहना चाहोगे आज आप इतनी आपकी जो सफलता है इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे नहीं सफलता तो सभी की है मैंने तो बस मेहनत करी है सफलता सभी की है जी तो आप आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे अब तक की जो सफलता आपकी मेरी सफलता मैंने बोला सभी की मेरी यानी कि मैंने तो मेहनत करी है सफलता मेरी सभी की है जी हाँ तो देखिए कितने बढ़िया है सुमित कासाना मॉडल जो है इन्होंने अपनी जो सफलता का श्रेय जो आज अधाना टीवी न्यूज़ के माध्यम से दिया है इन्होंने जो इनके व्यूवर्स हैं जो इनको चाहने वाले हैं इन्होंने सारा श्रेय उन्हीं को दिया है सच में आज हम भी चैनल चला रहे हैं तो ये सब आप लोगों की महिमा है कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं सपोर्ट करते हैं शेयर करते हैं वीडियो तो सुमित भाई पर आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें सुमित भाई आप अधाना टी न्यूज़ के माध्यम से अंत में क्या कहना चाहोगे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अधाना भाई का आज हमारे गाँव मारकपुर में आए और बड़ी खुशी मिली मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ठीक है सुमित भाई ने अपनी जर्नी के बारे में बताया काफ़ी इनके काफ़ी पच्चीस से छब्बीस गाने भी आ चुके हैं और आठ आठ करोड़ इनके गानों पर व्यूज़ हैं बहुत लोकप्रिय हैं इस हरियाणी म्यूज़िक मुझ, इंडस्ट्री में तो आप इस इंटरव्यू को देखें और शेयर करें मैं हूँ भारत दाना जय हिंद